हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे 2023-24 के बदले हुए नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर औरंगा नेशनल पार्क कर दिया है, ये किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, औरंगा नेशनल पार्क, और ये किस राज्य में है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आसाम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद टीवी। लोकसभा राज्यसभा टीवी को विलय कर दिया गया है और इसका नाम संसद टीवी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में ASI बोलते हैं। पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टाटा प्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश में स्थित एक स्टेडियम का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया है। कंट्री पूछा है, किस कंट्री के स्टेडियम का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और ये किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन सकता है, औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है छत्रपति संभाजी नगर, और ये किस राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है और इसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपथ का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ। राजपथ का अब नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब क्या हो गया है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सारे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर क्या रखा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुंडेश्वर धाम। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम क्या हो गया है, कुंडेश्वर धाम। अगला क्वेश्चन है, नील आइलैंड का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शहीद दीप। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप हो गया है, ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काकोरी कांड का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काकोरी एक्शन। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है, उसमें बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज यानी मिलेट्स सुपर फूड का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्री अन्न। मोटे अनाज को अब देश में श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में अभी ये बहुत चर्चित रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरंगा पॉइंट। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 ने जो अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, उस स्थल का नाम होगा तिरंगा पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महेश नगर हाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उड़ीसा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम क्या हो गया है? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। कोलकाता के राजभवन प्रतिष्ठित सिंहासन कक्षा का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। तो ये थे आज के टॉप 21 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।